हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मकर संक्रांति है तो तिल के लड्डू, गजक, मूंगफली की चिक्की, ये सब खाने ना मिले तो मकर संक्रांति का मज़ा ही क्या है। और सबसे बड़ी बात है, ये सब जितने टेस्टी होते हैं उतने हेल्दी भी होते हैं, बॉडी को वार्म रखते हैं और बॉडी के लिए बहुत अच्छा भी होता है। तो मैं भी सोची कि आज मकर संक्रांति है तो कुछ बनाया जाए, तो चलिए मैं बनाने जा रही हूँ तिल का ही कुछ अलग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर मेरा कोई भी अगला वीडियो सबसे पहले आपको ही देखने मिलेगा। और अगर आप लोगों को ये जो मैं बनाने जा रही हूँ अगर पहले से आप लोगों को आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसे बनाया। और अगर कुछ टिप्स है कि मुझे इसमें सुधार करना चाहिए या कुछ अलग टाइप का वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं तिल की बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ। हम इसे गजक भी कह सकते हैं क्योंकि ये कुछ कुछ गजक जैसा भी लगेगा। तो इसके लिए मैंने ये सफ़ेद तिल लिया है, करीब 250 ग्राम। ये करीब 400 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, घी लिया है, अपने हिसाब से यूज़ करना है, और ड्राई फ्रूट्स लिया है गार्निशिंग के लिए। अब सबसे पहले मैं ये हमें तिल को भूनना है, तो चलिए इस तिल को भूनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तिल भून लेंगे। ये 2 से 3 मिनट तक ये तिल भुनाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे, बिना ऑयल बिना घी के भूनना है हमें। और जब ये इसके फूटने की आवाज़ आने लगे और हल्के के फूल जाए तब तक हमें ये भूनना है। तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ये इसे भूनना पड़ता है, तो इसे हम 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये चटकने की आवाज़ भी आने लगी है और इसका कलर भी हल्का ये बदल गया है। तो अब हम इसे थाली, इसको थोड़ा सा भून के इसको थाली में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने ये इसे थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा पैन में घी डालेंगे। घी थोड़ा सा डालेंगे, इसे मेल्ट होने देंगे। और जब ये घी मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ये गुड़ डाल देंगे। तिल के गजक का या फिर लड्डू का जो असली टेस्ट है वो गुड़ के साथ ही आता है। चीनी की चाशनी के साथ अच्छा लगता है, बट जो टेस्ट गुड़ के साथ आता है वो चीनी के साथ नहीं आता है। अब हम इसको मेल्ट होने देंगे। इसमें अब झाग आ चुका है, तब हम इसमें चेक कर लेते हैं। करीब मैंने ये 4 से 5 मिनट पकाया, हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये चाशनी बना है कि नहीं। पानी में डाल के इसको हम चेक कर लेते हैं और इसका फ्लेम एकदम लो कर देते हैं कि अगर ये हो गया हो तो। देखिए ये चाशनी एकदम तैयार हो चुकी है, ये टूट रहा है इतने बढ़िया से ये टूट रहा है, इसका मतलब ये चाशनी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम ये तिल को डाल देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसकी चाशनी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, मैक्सिमम 5 मिनट लगा है इसकी चाशनी तैयार होने में। अब हम ये इसमें तिल को डाल देंगे और मिलाते रहेंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम किसी बर्तन में या किसी चौकी पर, प्लेटफॉर्म पर, कहीं भी इसको अच्छे से फैला लेना है। इसे मैंने चौकी पर रख लिया है और इसका सारा प्रोसेस गरम गरम करना पड़ता है। चौकी पर मैंने घी लगा लिया था, अब ये बेलन से मैं इसे, बेलन पर भी मैंने घी लगा लिया है, जिसे मैं फैला देती हूँ बराबर।
और इसे करीब आधे घंटे के लिए मुझे मैंने फैला दिया है, और इसे करीब आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ना है। तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये मैंने बना दिया है, अब इसे करीब आधे घंटे के लिए मैं सेट होने के लिए छोड़। देखिए सेट हो चुका है, अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, कितना क्रंची इसका टेक्सचर आ रहा है। इसके छोटे छोटे ऐसे हम टुकड़े कर लेंगे। ये मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, और अब इसे मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ मिक्सी में। तो इसमें मैं इसे ग्राइंड करने जा रही हूँ, इसको एकदम बारीक ग्राइंड कर लेना है। तो मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ एकदम बारीक। तो देखिए ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, और ये कितना अच्छा कलर इसका आया है। अब इसे हम किसी भी बेकिंग ट्रे में, या फिर मैंने ये मिठाई का डब्बा लिया है और इसे फॉइल पेपर से पैक कर दिया है। आप बटर पेपर से भी पैक कर सकते हैं, और मैंने इस पर घी चारों तरफ से फैला दिया है। अब मैं इस पर इसमें ये बराबर से इसको डालूँगी मिक्सचर को। और इसे मैं अच्छे से प्रेस कर करके फैलाते रहूँगी। इसको अच्छे से प्रेस करने से ये होता है कि ये बर्फ़ी, चाहे आप गजक जो भी बोलिए, उसके लिए अच्छे से तैयार हो जाता है, आपस में सेट हो जाता है अच्छे से। इसीलिए इसको मैं अच्छे तरीके से सेट करूँगी चारों तरफ से, ऐसे ही पुश करके। इसे सारा मिक्सचर मैंने डाल दिया जो भी मैंने तैयार किया था, और इसे मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ एकदम बराबर से, ताकि जब आप इसे कट करें तो एकदम अलग अलग पीस के रूप में ये तैयार हो जाए। ये मैंने सबको अच्छे से सेट कर लिया। अब इस पर मैं थोड़े ये ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। इसमें सबसे अच्छा फ्लेवर पिस्ता का आता है, बट मेरे घर में पिस्ता पसंद नहीं करते हैं, तो मैं पिस्ता यूज़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ काजू बादाम यूज़ कर रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद भी इसे आप दोबारा ऐसे ही सेट कर देना है चारों तरफ से अच्छे से। वैसे आपकी मर्ज़ी, कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालिए, अगर नहीं है तो नहीं डालिए, क्योंकि गजक में या फिर तिल की बर्फ़ी में जो सबसे मेन फ्लेवर रहता है तिल का रहता है, उसके आगे ये सारे फ्लेवर फेल है। तो आपकी मर्ज़ी, कोई जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है डालें, नहीं अगर अवेलेबल है नहीं डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे ख़ास इसमें होना चाहिए तिल, जो कि इसमें भरपूर है। देखिए इसको ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मुझे ऐसे ही दबा दबा के। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से सेट हो चुका है, अब इसे हम कट कर देंगे बर्फ़ी के शेप में। फ्रेंड्स ये गजक बनके मेरा तैयार है। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तिल की बर्फ़ी, तिल की मिठाई, गजक। तो आप ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर इसमें कुछ कमी लगी हो, या कुछ अच्छा लगा हो, या कुछ और बताना चाहते हो कि कुछ नया ट्राई करने के लिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डेली मोशन पर मुझे फॉलो भी कीजिएगा। थैंक यू।